अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, वो भी बिना ओवन के और बिना हैंड बीटर के और बिना अंडे के, यानी कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से आज मैं आपको चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगी, जिसमें अंडे का इस्तेमाल नहीं होगा। ये आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट अंदर से केक आज हमारा तैयार होगा। ये आप देख सकती हैं कि कितना ज़बरदस्त केक है। तो आइए हम इसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में मेल्ट किया हुआ बटर या फिर ऑयल लेंगे, जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है, 1/3 कप। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे 1 कप। अगर आपको कम मीठा पसंद हो तो आप कम भी शामिल कर सकती हैं, यानी कि 3/4 कप। अब हम इसमें वेनिला एसेंस शामिल करेंगे। वेनिला एसेंस मैं यहाँ पे इसमें 1/2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। ये कंडेंस मिल्क है, ये हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें थिक योगर्ट, जो कि नेस्ले वाला थिक योगर्ट होता है, यहाँ पे ये वाला मिलता है मीठा वाला, तो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। लेकिन याद रखें कि योगर्ट रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और अगर आप दोनों में से कोई भी चीज़ ऐड नहीं करना चाहती तो आप इसे एज इज़ भी मिक्स करके इसमें मज़ीद एडिशन कर सकती हैं। ये मिक्सर हमने इसी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमें ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा चाहिए 1 कप, जिसमें से 1 टेबलस्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच मैंने हटा दिया है लेवल करके। वही 1 खाने का चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। डार्क कोको पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप। बेकिंग सोडा हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 चम्मच, चाय का चम्मच। और साथ ही हम नमक भी इसमें 1/4 चाय का चम्मच ऐड करेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से सिफ्ट करेंगे। एक चीज़ जो मज़ीद मैं इसमें शामिल करूँगी, जो इसके टेस्ट और फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करेगा, वो है इंस्टेंट कॉफ़ी। 1 टीस्पून हम इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी ऐड करेंगे। दूध हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप। दूध भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। 1 कप दूध शामिल करके हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट मिक्स करते जाना है, ताकि ये लम्स फ्री मिक्सर तैयार हो जाए। ये आप देख सकती हैं, स्मूथ सा मिक्सर हमारा तैयार है। मिक्सर की कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकती हैं, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं। ये कंसिस्टेंसी हमारी मिक्सर की होनी चाहिए। तो मिक्सर हमारा रेडी है। अब हम इसे एक केक टिन में डालेंगे। केक का टिन मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी हूँ, इसमें मैं बटर पेपर लगा चुकी हूँ और इसके ऊपर मैं ऑयल और ऑयल या बटर जो भी आप लगाना चाहें लगा लें। और इसमें हम मिक्सर को डालेंगे। मिक्सर को हम इस तरह करके मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स हों वो सारे इससे स्केप हो जाएं। या फिर आप इसे टेप भी कर सकती हैं, यानी कि हल्का सा इस तरह करके हिला सकती हैं। अब हम इसे प्री हीटेड पतीले में बेक करेंगे। पतीले को ऑलरेडी मैंने 20 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। लो हीट पर हमने पतीले को 20 मिनट के लिए नमक डालकर और इस तरह करके कोई स्टैंड रख के हमने प्री हीट कर लेना है, ढक्कन ढककर। और अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहती हैं तो आप इसे 180 डिग्री पर पहले से ओवन को प्री हीट कर लें 20 मिनट के लिए। और इस तरह करके हम कोई भी बॉल या फिर एल्युमिनियम का फॉइल कप बनाएंगे, जो रेडीमेड मिलता है आप वो भी ले सकती हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे और साइड पर इसके ये रखेंगे। इससे ये होगा कि केक हमारा बिल्कुल सही बनेगा, ऊपर से स्मूथ बनेगा, इसमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छी टिप है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें। और अब हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 40 मिनट तक।
30 मिनट से पहले आपने इसका ढक्कन नहीं खोलना। और ये आप देख सकती हैं, ये इसका टेम्परेचर, इसका इसकी हीट होनी चाहिए। मेरा के तकरीबन 45 मिनट लगे हैं। टूथपिक या फिर कोई भी वुडन स्क्यूअर हम बीच में इंसर्ट करके देख लेंगे, क्लीन निकल आए तो केक हमारा रेडी है। केक को हम निकाल कर साइड पर रखेंगे और अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद हम इसे केक टिन में से निकाल लेंगे। छुरी की मदद से हम साइड साइड को इस तरह स्क्रैप करेंगे और इसके बाद हम इस केक टिन को ओपन करेंगे। जो बटर पेपर मैंने लगाया था उसको हम रिमूव कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कोई भी कागज़ लेकर उसे ऑयल में अच्छी तरह से डुबो कर निचोड़ लें और इसके बाद इसे आप बटर पेपर के तौर पर यूज़ कर सकती हैं। तो ये केक हमारा रेडी है। अब हमें अच्छी तरह से ठंडा किया हुआ व्हिपिंग क्रीम चाहिए 2 कप। ये व्हिपिंग क्रीम मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ और इसका अल्टरनेट भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो हैंड जो विस्क हैं वो भी अच्छे से ठंडे होने चाहिए और जो बाउल है वो भी ठंडा होना चाहिए। यानी कम से कम आप इसे 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख लें। अगर आप चाहें तो आप इसके नीचे बर्फ भी रख सकती हैं अगर गर्मियों का मौसम है तो। हमेशा नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम यूज़ करें, बहुत ही ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट आता है और इसमें चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं डेयरी वाले यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। 2 मिनट के लिए मैं इसे व्हिप करूँगी। जो बेकिंग में बिल्कुल न्यू है तो उनके लिए नॉन डेयरी बेस्ट रहेगी। अब मैं इसमें पिसी हुई चीनी, या फिर बेस्ट है कि आप इसमें आइसिंग शुगर ही यूज़ करें। अगर आप न्यू है बेकिंग में तो आप इसमें आइसिंग शुगर ही यूज़ करें 1/2 कप, या फिर टेस्ट के हिसाब से सिफ्ट करके हम इसे मिक्स करेंगे, बीट करेंगे अच्छी तरह से। 3 से 4 मिनट हम इसे बीट करेंगे हाई स्पीड पर और इसके बाद हम इसमें डार्क कोको पाउडर मिलाएंगे। कोको पाउडर का डिस्क्रिप्शन भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो इसमें जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हम इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे हाई स्पीड पर ताकि इसकी जो स्टिफ पिक्स हैं, यानी कि जो क्रीम है वो हमारी स्टिफ हो जाए। और ये आप देख सकती हैं कि क्रीम हमारी तैयार है। अब हम इसे साइड पर रखेंगे। केक को हम बीच में से कट करेंगे 2 हिस्सों में। ये आप देख सकती हैं, ये जूस है, कॉकटेल जो जूस होता है वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसके ऊपर जो नॉर्मल मिल्क होता है, यानी कि दूध होता है, तो आप वो भी इसके ऊपर डाल सकती हैं। अब हम इसके ऊपर व्हिप टॉपिंग लगाएंगे, जो कि हमने क्रीम व्हिप की थी तो वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकती हैं, जितनी आपको पसंद हो तो आप उतनी ही लगा लें। और इसके ऊपर हम जो कॉकटेल है वो डालेंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकती हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। और इसकी जगह आप चॉकलेट चंक्स भी इसमें ऐड कर सकती हैं, चॉकलेट चंक्स या फिर चॉकलेट चिप्स, जो भी आपको पसंद हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकती हैं और एज इज़ भी आप इसे रख सकती हैं। अब हम इसके ऊपर फाइनल लेयर लगाएंगे। फाइनल लेयर के ऊपर भी हम इसी तरह जूस पहले लगाएंगे और जूस लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर जो व्हिप्ड क्रीम है वो हम लगाएंगे। अच्छी तरह से ऊपर से और साइड से हमने इसे कवर कर लेना है क्रीम से। थोड़ी सी क्रीम आपने फ्रिज में रख लेनी है ताकि बाद में गार्निशिंग के काम आए। और अब हम इस केक को रेफ्रिजरेट करेंगे 1/2 घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए। इसके लिए अब हम चॉकलेट गनाश बनाएंगे। इसके लिए हमें एक चॉकलेट बार चाहिए। मैं यहाँ पे सेमी स्वीट चॉकलेट बार यूज़ कर रही हूँ हर्शीज़ का, जिसे मैं तोड़कर एक बॉल में डालूँगी चॉप करके। तकरीबन 1 कप बनेगा। अब हम इसमें 1/2 कप गरम की हुई व्हिपिंग क्रीम शामिल करेंगे। अच्छी तरह से आप इसे स्टोव टॉप पर, यानी कि चूल्हे पर ही आप इसे गरम कर लें। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप 1 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव में भी गरम कर सकती हैं। अब हम इसमें गरम क्रीम डालेंगे और इसे अब हम 30 से 40 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है
और जब मिक्स हो जाए तो चॉकलेट गनाश हमारी तैयार है। अगर आप चाहें तो आप इसे सीव यानी कि आप इसे छलनी में डालकर छान भी सकती हैं, तो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही शाइनी हमारा चॉकलेट गनाश तैयार होगा। तो ये तैयार है, अब हम इसे साइड पर रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, या फिर आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकती हैं। अच्छी तरह से ठंडा किया हुआ गनाश, चॉकलेट गनाश हम इसके ऊपर पोर करेंगे। चाहें तो आप ऐसे ही इसके ऊपर पोर कर लें, चाहें तो आप इस पूरा ही इससे कवर कर लें, यह आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। अगर ऊपर से आप इस तरह सारे का सारा डालना चाहती हैं तो आप इस तरह पूरे केक को कवर कर लें, या फिर अगर आप साइड्स पर डालना चाहती हैं तो आप साइड्स पर भी डालकर इसे सर्व कर सकती हैं। अब आप इसे अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर लें। जो व्हिपिंग क्रीम मैंने बचा के रखी थी उससे मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ साइड से और ऊपर से। क्रीम की जब क्रीम जब आप लगाना चाहती हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकती हैं, कम या ज़्यादा ये आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकती हैं। तो ये मैंने केक को डेकोरेट कर लिया है। थोड़े से मैं इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज लगाऊंगी। स्ट्रॉबेरीज को मैंने चॉकलेट में डिप किया है और इसके ऊपर वाइट चॉकलेट मैंने लगाया हुआ है। तो ये चॉकलेट केक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट और एगलेस विदाउट ओवन तैयार है। अच्छी तरह से ठंडा करके सर्व करें, कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें और इसके बाद आप इसे सर्व करें। यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि अंदर से ये कैसा बना है, क्योंकि आप ऐसे बहुत से लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी चीज़ बनाएं तो वो हमें कट करके दिखाएं। तो आज ये केक मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ और अंदर से आप देख सकती हैं कि ये कितना फ्लफी है और मॉइस्ट है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे ख़ुद बनाकर ट्राई करेंगे, और आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिए। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।